हेलो मित्रों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल वैकेंसी इन्फॉर्मेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RO कंप्यूटर असिस्टेंट के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट आ चुका है मित्रों, अगर आप लोग अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाली हर एक वैकेंसी एडमिट कार्ड और रिजल्ट या फिर कोई भी वैकेंसी हो उसके बारे में आप लोगों को तुरंत और वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहूँगा जानकारी। चलिए मित्रों, अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटा भी दबा लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल पाए और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें। चलिए आज हम नया जानकारी के बारे में बात करते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO और कंप्यूटर असिस्टेंट रिजल्ट के बारे में। इसका रिजल्ट मित्रों आ चुका है और आप इसका रिजल्ट कैसे देखेंगे इसके बारे में पूरी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जैसा मित्रों यहां पे दिखाया गया है कि हाई कोर्ट JST इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद का हाई कोर्ट का रिजल्ट आ चुका है समीक्षा अधिकारी का। तो जैसा कि इसमें लिखा है, इंटर प्रोसीड एडवर्टाइजमेंट संख्या इतना एंड डेट इतना एंड द रिटेन OMR बेस एग्जामिनेशन बीइंग द कंसल्ट ऑन द डेट 1 जनवरी 2020 फॉर द पोस्ट रिव्यू ऑफिसर रिक्वायरमेंट द फॉलोइंग रोल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर प्लेस वर्टिकल इन बिलो टेबल शॉर्टलिस्ट इन स्टेज फर्स्ट एग्जाम। मतलब इसका यह है कि जो है कि एडवर्टाइजमेंट संख्या जो है कि 16/9/2019 को निकला हुआ था, उसका OMR शीट के बेस पर जो है इसका एग्जाम हुआ था। तो जो है एग्जाम जो है 12 जनवरी 2020 को था और ये रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी का था। तो इसका जो है कि रोल नंबर मतलब कि असेंडिंग वाइज आपको जो कि दे दिया गया है यहाँ पे नीचे, आप लोग अपना रोल नंबर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। पहले कैटेगरी दिया है यहाँ पे जनरल, फिर उसके बाद रोल नंबर दिया, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड है उनका रोल नंबर इस तरह से दे दिया है, आप लोग जा करके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए इस तरह से यहाँ पे भी दिया है, फिर जनरल का भी नीचे है, फिर इसके बाद जो है फिर अदर बैकवर्ड कास्ट का भी है। ठीक है मित्रों, और यहाँ पे शेड्यूल कास्ट यानी SC का भी दिया है रोल नंबर वाइज, और यहाँ पे ST का भी दिया है रोल नंबर वाइज। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, पॉज करके अपने रोल नंबर को, या अर्थात मैं इस PDF का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं मित्रों। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए फिजिकल चैलेंज वालों का, PH वालों का, दिव्यांग लोगों का भी ये रिजल्ट है, फिर EMS वालों का है, उसके बाद यहाँ पे महिलाओं के लिए भी है, जो महिलाओं का रिजल्ट आया था ये नीचे है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से मित्रों आप लोग देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करके मैंने आप लोगों को दिखा दिया और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर असिस्टेंट का मित्रों, कंप्यूटर असिस्टेंट का ये रिजल्ट रहा, देख लीजिए। और यहाँ पे जैसे कि जनरल की कैटेगरी वालों का है रोल नंबर वाइज, तो आप लोग अगर कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किए थे तो इसका भी मैं लिंक एक अलग से दे दूंगा, कंप्यूटर असिस्टेंट वाले भी अपना देख सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग भी देख सकते हैं अपना रिजल्ट, शेड्यूल कास्ट के लोग भी देख सकते हैं, वुमेन्स भी देख सकती हैं, महिलाएं भी देख सकती हैं। ठीक है मित्रों, और हमारे वीडियो में लंबे समय से बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दे ताकि उनको भी नोटिफिकेशन और रिजल्ट और एडमिट कार्ड के बारे में सही समय से जानकारी मिल पाए। तो आप लोगों का मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।